तो जी क्या हाल चाल आप सभी के, होप करता हूँ कि आप सारे बढ़िया होंगे। जी दोबारा से एक नया दिन और नई एनर्जी के साथ हम वापस आ गए हैं और एक नया सा टॉपिक लेके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार कनाडा के अंदर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो एक एज इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हो सकते हैं और हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, कौन से तरीके अपना सकते हैं कि वो हमारे कम से कम हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले बात करें ना तो एक मोटा मोटा खर्चा तो मतलब हर बंदे पे है ही, वो है जी रेंट का। जिस अकोमोडेशन में आप रहेंगे उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा, तो वो आप सीधा सीधा मान के चलें कि एक महीने का $380 से लेके $450 तो आपके पक्के बंदे ही हुए हैं। इसके अलावा एक पक्का खर्चा आ जाता है जी आपके ग्रॉसरी का। अब खाना तो है ही है, वो भी हर महीने। अब ग्रॉसरी जो है अगर तो आप शेयरिंग में करते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप शेयरिंग में नहीं करते हो तो बहुत नुकसानदायक है। शेयरिंग में करोगे तो फ़ायदे हैं, बल्क में सामान उठाओगे सस्ता बढ़ेगा, लेकिन अगर सिंगल सिंगल आइटम लोगे तो बहुत महंगा है, बहुत खर्चे पड़ जाएंगे। अब एवरेज खर्चा क्या रहता है, देखो एवरेज खर्चा अगर मैं रोटी चावल दाल थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा सब्जियाँ जैसे गोभी गाजर शिमला मिर्च ये भी डाल रहा हूँ तो भी मैक्सिमम जो आपका खर्चा है ना एक हफ्ते का वो $70 to $80 तक होता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैक्सिमम। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो $70 to $80 में एक हफ्ते के लिए, और अराउंड आपका मतलब चार हफ्तों का ये बन गया $280 70 के आसपास होगा, और अगर 80 है तो $320 के आसपास। तो मतलब $400 आप रेंट लगा लो अपना और 300 के आसपास अपना अपना लगा लो जी ग्रॉसरी का खर्चा है, तो अप्रॉक्सीमेटली $700 तो आपका यही होगा जो आपको हर महीने पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके अलावा कैसे खर्चे हो सकते हैं, देखो जी आपके मोबाइल के जो खर्चा है रिचार्ज का वो भी पड़ेगा, ठीक है वो एक्स्ट्रा, वो भी प्लान टू प्लान वेरी करता है, लेकिन अगर मैं सबसे सस्ता प्लान भी लगा लूँ तो यहाँ पे जो सबसे सस्ता प्लान है वो $29 का है, वो लकी सिम जो मैंने ली थी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, तो वो भी हर महीने पड़ेगा। तो $700 पहले लगा लिए, अब ये भी $730 लगा लो, $730 हो $730 तो आपके यही हो। उसके अलावा बंदा यार कई बार बाहर खा लेता है तो फालतू खर्चा हो जाता है, आप वो सब कुछ लगा के $100 एक्स्ट्रा लगा लो तो अप्रॉक्सीमेटली $830 तो आपका हर महीने का पक्का खर्चा बंदा ही हुआ है। आपकी कमाई कितनी थी 1100 या 1000, मैं 1000 लगा के चल रहा हूँ, तो 1000 में से $150 आपके बचते हैं। अब ऑन एन एवरेज लगा के चलें कि आप हर महीने भी काम कर रहे हो, 10 महीने तक आप काम करते हो तो $1500 बनते हैं, और 2 महीने के एक्सपर्ट लगा लें तो हम $1500 to $1800 बनते हैं जी। तो $1800 आपका एक साल में जुड़ेगा। अब देखा जाए तो जी लीगली तो आप 20 घंटे काम कर सकते हो कनाडा में अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो। अभी थोड़े से चेंजेस आए हैं कि जो जनवरी से पहले के लोग आए हुए थे जिनका जनवरी से पहले का वीज़ा था वो 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं और रिसेशन के कारण, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे ये चीज़ कंटिन्यू होगी। तो करने तो आपको 20 घंटे काम है जो लीगली है, मैं इलीगली की बात नहीं करता हूँ, काफ़ी लोग इलीगल काम भी करती हैं यहाँ पे कैश के ऊपर जिसको हम बोलते हैं, तब तो कंडीशन और हो जाती है, तब सिचुएशन और हो जाती है, तब हर चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप 20 घंटे काम करते हो तो कमाना तो आपको इतना ही है अप्रॉक्सीमेटली, एवरेज जो आपकी कमाई रहेगी वो तो $1100 to $1200 के आसपास रहेगी। बड़े लोग बोलेंगे भाई तूने खर्चे तो गिना दिए हैं, अब कोई तरीका तो बता इन्हें बेर करने का। तो देखो ऐसा है कि कम से कम 8 महीने तो आप रेगुलर पार्ट टाइम पे काम करोगे, लेकिन 4 महीने आपको हर साल ऐसे मिलेंगे जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो, तो वो आपका सबसे बढ़िया पीरियड है जिसमें आपको खुलेआम काम करना है, जितना काम कर सको जितने घंटे ले सको जितनी जगह काम कर सको करो, वही एकमात्र आपके पास ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कुछ ना कुछ हर महीने आपका जुड़ेगा ही, उसके साथ साथ में 4 महीने आपको एक बोनस मिल जाएगा जिसमें आप खुल के काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी कई केसेस में क्या होता है, कई कोर्सेज में फुल टाइम अलाउड नहीं होता,
और उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, तो जी जैसे आपके बीच में मिड टर्म ब्रेक्स आई, ठीक है, एक कोर्स एक सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद में जो दूसरा सेमेस्टर आया उसमें जो टाइम मिला, तो ये कुछ ऐसा टाइम है जिसमें आप अपना फुल टाइम काम कर सकते हो, गवर्नमेंट लीगली बोलती है। मेरी यूनिवर्सिटी में तो है, अब अपनी यूनिवर्सिटी में एक बार क्लियर कर सकते हो कि क्या ये चीज़ है या नहीं है। और उसके लिए सिंपल भी तरीका है कि यार हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफिस होता है, उसमें आप मेल डालें, मैसेज डालें, उनको इन पर्सन मीट करें, आप आसानी से उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। अब ये तो आपका चीज़ होगी कि आप खर्चे कैसे बेयर करेंगे या ये सब कुछ कैसे करेंगे। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, देखो यहाँ पर आकर यहाँ तो गाड़ी ले लो, पैसे खर्चो, फुकराबंती में घुस जाओ, और यहाँ समझदार होके अपने फ्यूचर को प्लान करो, अपने अच्छे के लिए सोचो, यही कर सकते हो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, पहली वाली ऑप्शन चूज़ कर लोगे तो भाई फिर घर से पैसे मंगवाओगे, दूसरी ऑप्शन चूज़ करोगे तो बोलोगे घर वालों के यार आपको कुछ चाहिए तो बोलो। तो आपको खुद देखना है कि आपको क्या बनना है अपनी ज़िंदगी में। हेल्प होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार एक अच्छा सा लाइक फेंक दो। मिलते हैं आपके किसी और वीडियो से वीडियो में, टिल देन बाय बाय।